हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो कौन कौन सी मूवी अच्छा कर रही है थिएटर्स के अंदर और कौन नहीं कर रही है, ये सब कुछ आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। द केरला स्टोरी, इसका डे 31 किस तरीके का क्या, वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फास्ट एक्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में बहुत से लोग चैनल पर कुछ ना कुछ कॉमेंट करते रहते हैं कि हम तो सर्विस ही ले आए हैं। बट उनसे रिक्वेस्ट यही है कि बाकी भी कॉन्टेंट बहुत ही अच्छा है, उसको भी देखो। फिर ज़रा हटके ज़रा बचके का डे 3 का कलेक्शन, स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, ये किस हिसाब से पिकअप कर रहा है। और तीन मूवीज ऐसी जो कि बोनस होंगी, जिनका ऑलमोस्ट लाइफ टाइम बिजनेस क्लोज हो चुका है। 2018 जो कि मलयालम मूवी है, हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई थी, IB71 और PS2 के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जो मूवीज़ का लाइफ टाइम ख़त्म हो चुका है उसके बारे में पहले बात करते हैं। PS2 का जो कलेक्शन है वो है 180 करोड़ रुपीज़ नेट कलेक्शन, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 338 करोड़ रुपीज़। अच्छा बिजनेस किया है मेरे समझ के हिसाब से। PS2 जो है, मुझे ऐसा लगता है कि Part 1 से ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा अच्छी डेप्थ थी, ज़्यादा स्टोरी लाइन थी, ज़्यादा इमोशंस थे। बट ये इतनी ज़्यादा आगे नहीं गई Part 1 की तरह, लेकिन ये पोटेंशियल तो रखती थी 500 करोड़ क्रॉस करने का। IB71 का जो टोटल कलेक्शन है धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आज 20 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है इसकी 26 करोड़ रुपीज़। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी मूवी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट 50 करोड़ तो इसको बिजनेस करना चाहिए था। नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये विद्युत जानवर की वन ऑफ द बेटर मूवीज़ है, बट अब चली नहीं क्योंकि पब्लिक से ऊपर तो कोई भी नहीं है। 2018 जो पब्लिक को बहुत पसंद आई मलयालम सेगमेंट में, लेकिन क्या ये इंटरनेशनली चली कि नहीं चली? बिल्कुल इंटरनेशनली भी चली। उसका टेस्टिमनी ये है कि 88 करोड़ रुपीज़ नेट है जो इंडिया के अंदर कमाया गया, और 171 करोड़ रुपीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग अगर हम ग्रॉस से देखें जो कि 102 करोड़ रुपीज़ है, तो करीबन 70 करोड़ रुपए बाहर से आए हैं ओवरसीज मार्केट से, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि बाहर भी अच्छा रुझान आया। क्या हिंदी सेगमेंट में भी आया है? कि हिंदी में शोर तो बहुत मचा था कि 2018 ज़रूर देखनी चाहिए। 30 लाख रुपये टोटल कलेक्शन है 8वें दिन, और 31st दिन के अंदर जो 2018 है वो लगभग 89 करोड़ रुपीज़ के ऊपर एंड कर रहा है। वहीं पर अगर बात करें जो मूवीज़ अभी चल रही हैं और लगी हुई हैं, वो है स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। Day 4 का जो कलेक्शन है वो करीबन वही है जो कल था, 6.5 करोड़ रुपये, और उससे जो 15 करोड़ रुपए थे वो इंक्रीज होकर 21.5 करोड़ रुपये हो गए। आई वुड से फॉर एन एनिमेटेड फिल्म इट्स अ डिसेंट स्कोर, और ये ऐसी मूवी है जो 50 करोड़ रुपीज़ क्रॉस कर सकती है अगले वीकेंड के आते आते। फिर बात करते हैं फास्ट एक्स की। फास्ट एक्स जो है Day 18 वाले दिन 2.5 करोड़ रुपये कमाया, कल 2 करोड़ रुपये कमाया था, तो लास्ट 3 दिन में अच्छी ग्रोथ आई है। मंडे ऑनवर्ड्स अब इसके अंदर डी ग्रोथ आनी तय है, और नेक्स्ट फ्राइडे तक आते आते ये थोड़ा सा उतरने के कगार पे हो जाएगी। 104 करोड़ किया था इसने कल तक, और लगभग 4600 करोड़ रुपये किया था, 4600 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 106.5 करोड़ रुपीज़ हो गया है अब एज ऑफ टुडे, विच इज संडे एंड। द केरला स्टोरी का क्या रहा 31st दिन के अंदर? तो मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो चुका है इसके अंदर, यानी कि अपने एक महीना क्रॉस करते हुए। तो वो है दोस्तों 2 करोड़ रुपए, कल से थोड़ी सी जंप आई है, 1.75 करोड़ कल किया था, 2 करोड़ रुपए आज किया है, जिससे इसकी कलेक्शन 234.75 करोड़ से इंक्रीज होकर 236.5 करोड़ हो गई है। 300 करोड़ के बहुत पास है ये, लगभग 293 करोड़ रुपीज़ के ऊपर आज बैठी हुई है। धीरे धीरे भी अगर चलेगी, क्योंकि अब इसमें ड्रॉप आएगा अगले वीकेंड के आते आते, मतलब नेक्स्ट सैटरडे या संडे से पहले ये टच कर जाएगा अपना 300 का स्कोर, फिर उसके बाद हम इसको कवर नहीं करेंगे। बाकी और बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, आदि पुरुष आ रही है, उसकी एडवांस बुकिंग वगैरह काफ़ी कुछ है कवर करने के लिए। फिर ज़रा हटके ज़रा बच के, जिसने सबको सरप्राइज़ कर दिया, सबको लगा था ये ऐसी मूवी होगी जो under 10 करोड़ रुपये का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी, तो काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस का रिटर्न आया है, और लोगों ने काफ़ी अच्छा इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया है, और हर रोज़ ग्रोथ हो रही है। Day 3 के अंदर 7.5 जो कल किया था वो आज 8.5 करोड़ हो गया, तो 13 करोड़ रुपये आज बन गया है 21.5 करोड़ रुपये। तो ये अच्छी कलेक्शन जा रही है, बाहर ये रिलीज़ ज़्यादा नहीं हुई है, तो ज़्यादा कोई ओवरसीज से इसका कलेक्शन आया नहीं है अभी रिपोर्ट होके। तो होपफुली इससे आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि क्या कुछ चल रहा है हिंदी सिनेमा के अंदर। वो मूवी ज़रा हट के ज़रा बच के जो कि फैमिलीज को इकट्ठे लेके आ पाए वो चल रही है, फास्ट एक्स पीपल आर सीइंग फॉर एक्शन, केरला स्टोरी फॉर रियलिज्म, तो स्पाइडर मैन अक्रॉस फॉर जो नया मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, प्लस लॉट ऑफ एनिमेशन, और 2018 अगेन फिर रियलिज्म के लिए, IB71 भी रियलिज्म, और जो PS2 है आई थिंक हिस्ट्री में जानकारी लेने के लिए लोग देख रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि कोई भी ऐसा एक पैटर्न नहीं है कि इस तरीके की मूवी आजकल चलती है, सब कुछ अलग अलग है जो थिएटर्स के अंदर है, ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अलग अलग
कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मूवीज जो हैं वो चल रही हैं, तो देर इज़ अ वाइड ऑडियंस विच इज़ कमिंग इन। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।